नमस्कार आदाब। रात के 10:20 हो चुके हैं और हम एक बार फिर फेसबुक लाइव पर आप सभी तमाम दर्शकों के साथ मौजूद हैं। लेकिन हमारे बीच में तमाम ऐसी शख्सियत हैं जिनका परिचय देना मुझे लग रहा है कि सूरज को दिया दिखाना है, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम की अपनी जो विशेषता होती है, हम अपने सारे अतिथियों का परिचय देंगे। सबसे पहले मैं मौलाना आलम मुस्तफा कुरैशी जी का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच में मौलाना मौजूद हैं, तो मौलाना साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जितिन भाई, आदाब, और आपने हम लोगों को बुलाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। मौलाना आदम मुस्तफा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मौलाना साहब। आदाब सर, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको मौका दिया अपने शहर की आवाम तक अपनी बात पहुंचाने का, क्योंकि ऐसे मौके कम होते हैं जब हम अपनी आवाम के बीच अपनी बात मीडिया के जरिए पहुंचा सके। आपने इसका मौका हमें फराहम किया है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारे बीच में एक और शख्सियत मौजूद हैं, मुफ्ती क्वासिम रजी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मुझे लग रहा है कि रुख को जो है जी, आपने हमें मौका दिया, आपका शुक्रिया कि हम हमारे जरिए से आवाम में मसले का जो सही रुख है, हालात के एतबार से वो पहुंच सके, आपके जरिए से हमें यह मौका मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आज की चर्चा शुरू कर रहा हूँ तमाम दर्शकों के साथ। देखिए, आज महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तमाम दिनों में हम कोविड पर बात करते थे, कोविड के जो लोग हैं वो ठीक हैं, आज की कोविड की बात की जाए तो कोई गिनती में बढ़ोतरी नहीं हुई है, हालांकि कई लोग सुधर के भी घर गए हैं, संख्या हमारी बिल्कुल शून्य की ओर जा रही है। और मुझे लग रहा है कि हम सब लोगों का ये प्रयास, हमारे डॉक्टरों का प्रयास, हमारे धर्म गुरुओं का प्रयास, हमारे अपने लोगों का प्रयास है कि हम लोग कोविड की इस जो भयानक बीमारी थी उससे सही होते जा रहे हैं। 203 का आंकड़ा बराबर है, 3020 लोगों के सैंपल आ चुके हैं, 186 लोगों की रिपोर्ट यानी कि रिकवर हो चुके हैं, 3153 लोगों के सैंपल गए थे और 6 लोगों की मृत्यु हुई है, 132 रिजल्ट अभी वेटेड हैं और एक्टिव केसेज यानी कि 12 बने हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि हमारे तमाम डॉक्टर, हमारे तमाम धर्मगुरु, आप लोग प्रतिदिन अपील कर रहे हैं, प्रशासन के छोटे से आमंत्रण पे आप पहुंच जाते हैं, लोगों को बताते हैं। और मुझे लग रहा है आज के पैनल में हम लोग इसी तरह की बात करेंगे, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और एक हिंदुस्तानी का एक ही फर्ज बनता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए चर्चा करें, जो अभी माहौल चल रहे हैं उन पर हम चर्चा करें, तमाम लोगों को समझाएं अपने अपने माध्यम से कि ये कोरोना ना जात देखता, ना धर्म देखता, ना पंथ देखता, ना मजहब देखता, केवल ये मनुष्य को देखता है। तो हम लोग इस महामारी से बचें। कल अलविदा जुमा की नमाज है, तमाम मुस्लिम भाइयों ने पूरे रमजान के महापवित्र माह में रोजे रखे, आप लोगों ने भी तमाम लोगों को तरावियां या तमाम संदेश देने का काम किया। तो एक और संदेश मैं जाऊंगा, तमाम यानी कि देखने वाले पूरे मुल्क में ही देख रहे हैं, तो तमाम मुल्क के लोगों को आपकी तरफ से एक मैसेज जाए कि कल जो अलविदा है उसमें नमाज कैसे सलीके से पढ़ें, कहाँ पढ़ें, और आने वाली ईद को हम लोग कैसे मनाएं, कैसे खुशियां का इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं मौलाना आलम मुस्तफा कुरैशी जी आपसे। याकूबी जितिन भाई, मेरा नाम याकूबी है, सॉरी याकूबी जी। तो याकूबी जी से शुरुआत करते हैं। सर, मैं चाहूंगा कि तमाम आवाम है, हम लोग कैसे इनको, अभी तक मुझे लग रहा है स्थिति जो भयावह थी अब ब्रेक लग गया है, तो इसी ब्रेक को वर्तमान में रखा जाए, कंटिन्यू रखा जाए, तो कैसे हमारे लोग, ये कोई पैनल केवल हिंदू मुस्लिम की बात का नहीं है, हम तमाम आवाम को कैसे इस सब चीज से बचाने का प्रयास करें। तो मैं चाहूंगा, आप विद्वान भी हैं, आप मदरसे भी चलाते हैं, हम तमाम
संस्थाओं के भी बड़े लीडर हैं, सभी लोग खैर तमाम अपने अपने क्षेत्रों में माहिर हैं। तो शुरुआत चूंकि आपसे की है याकूबी साहब, तो प्लीज एक मैसेज देने का काम करें। देखिए, सबसे पहले तो ये आपके माध्यम से हमें मैसेज देना है कि इस्लाम मजहब जो है वो बहुत आसान है, और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो मुकम्मल गाइड करता है हर शोबे में और हर डिपार्टमेंट में। जब ऐसी कोई स्थितियां आती हैं तो ऐसी स्थितियों में भी इस्लाम ने हमको एक बहुत मुकम्मल और कंप्लीट गाइड किया है, क्योंकि ये हम लोगों की लाइफ में ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि लॉकडाउन है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, कारोबार सब बंद हैं, तो ऐसी पोजीशन में इंसानियत की जान को बचाना ये सबसे बड़ा धर्म है। और इस्लाम ने इंसान की जान की हिफाजत को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। हम ये चाहते हैं कि अब तक हमारे शहर में जिस तरह से एफर्ट्स किए गए हैं, जिस तरह की कोशिशें की गई हैं, चाहे वो पुलिस की टीम ने की हो, चाहे वो डॉक्टर्स की मेडिकल टीम ने किया हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने किया हो, चाहे नगर निगम की टीम ने किया हो, वो सब बहुत एप्रिशिएशन है, बहुत तारीफ के काबिल है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले जो कल जुमा है और फिर उसके बाद ईद की ये जो दो बड़ी इम्पोर्टेंट नमाजें हैं, इन नमाजों को लेकर जो अवाम में एक मैसेज देना है, जो हम लोगों ने बारहा मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए दिया है, वो ये है कि हमें जान की हिफाजत करना है, और जो हमें मेडिकल गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन के मुताबिक हमें अपनी उस गाइडलाइन में रहकर और कानूनी तौर पर जो हमको कानून ने कानूनी तौर पर हमको जो गाइड किया है उसके लिहाज से हमें अपने आप को बचाना है। इसीलिए आज तक जितने जुमे आए हैं रमजान में, उन सारे जुमों में घरों में नमाज पढ़ी गई, हम लोगों ने अपील करी। हमारी आवाम भी काबिल तारीफ है कि जिसने हमारी बातों को माना और इंसानों की जान की हिफाजत के लिए घरों में अपने आप को रखा। इसका आज ये नतीजा है और रिजल्ट है कि हमारा ग्राफ निगेटिव की तरफ आ गया और हमारा जिला कोरोना मुक्त की तरफ बढ़ गया है, और मुझे बहुत जल्द उम्मीद है कि कोरोना मुक्त हो जाएगा हमारा पूरा जिला। तो हमें नमाज कैसे पढ़नी है, जैसे हमने अब तक चार जुमे नमाज पढ़ी है, वही सारा सिस्टम रहेगा। मस्जिदों में वही लोग नमाज पढ़ेंगे जो चार पांच लोग नमाज पढ़ते हैं, घरों में जिस तरह से नमाज पढ़ी जा रही है वो इस तरह से ही पढ़ी जाएगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि कल का जुमा हमारा विशेष कोई अलविदा के नाम से इस्लाम में कोई जुमा नहीं है, ये जुमा खास तौर से रमजान का आखिरी जुमा होता है। इसकी वजह से लोगों के जहन में इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, इस्लामी लिहाज से इसकी कोई इम्पोर्टेंस खास और विशेष नहीं। हम लोगों ने क्योंकि ये देखा कि अक्सर इस जुमे में लोग भीड़ ज्यादा आती है, लोग ज्यादा नमाज पढ़ने पहुंचते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट आज की नमाज है, हालांकि ये एक नॉर्मल जैसे जुमों की नमाज है ऐसे ही एक जुमे की नमाज है, और हमें उम्मीद है कि वो बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ही पीसफुली तरीके से वो नमाज अदा होगी। और हम यही आपके माध्यम से मैसेज देते हैं कि थोड़े से दिन, जैसे इतने दिन हमने वेट किया है और हमने WHO की गाइडलाइन पर, पुलिस की गाइडलाइन पर, मेडिकल टीम्स की गाइडलाइन पर हमने अमल किया है और सपोर्ट किया है, तो ऐसे ही हम कुछ दिन और सपोर्ट करें तो हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द ग्रीन जोन में आएंगे और ग्रीन जोन के बाद फिर हम कोरोना मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपने याकूबी साहब ने अच्छा संदेश दिया है, क्योंकि नमाज या इबादत या पूजा ईश्वर की दिल से करें, अल्लाह की दिल से करें। किसी चीज को अगर माहौल अच्छा नहीं है तो थोड़ा बच के चलना चाहिए, ऐसा धर्म भी कहता है, हमारे तमाम ग्रंथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम ग्रंथ भी कहते हैं। मौलाना आदम मुस्तफा जी भी मौजूद हैं। मौलाना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? याकूबी जी ने तो
बता दिया, और आप भी अपने स्तर से अपने वाक्यों के माध्यम से जरा दर्शकों को बताएं कि कल को लेकर क्या रहेगा। देखिए, तो हमारे शहर का बहुत बड़ा ये ऐसा मौका है कि जब शहर की आबादी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ईद को लेकर के, रमजान को लेकर के और अलविदा को लेकर के सब एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि रमजान में, जुमे में, अलविदा के जुमे में जामा मस्जिद में जब नमाज होती है तो पूरा बाजार नमाजियों को जगह देता है, यहाँ तक कि अपनी अपनी दुकानों में लोग जगह दे देते हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारा शहर और हमारा मुल्क जो है वो गंगा जमनी तहजीब का एक मुल्क है, और यहाँ सब आपस में मिल करके एक दूसरे के त्योहार और एक दूसरे के मौकों पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस वक्त चूंकि हमारा देश एक महामारी से गुजर रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, और उसकी वजह से सबको परेशानी आई है। इससे पहले हमने देखा जब राम नवमी का मौका आया, उस वक्त हमारे हिंदू भाइयों को अपने उस धार्मिक कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट करना पड़ा और अपने घरों तक महदूद रहना पड़ा। फिर उसके बाद गुड फ्राइडे आया और क्रिसमस आया, गुड फ्राइडे आया और ईस्टर आया, उस वक्त ईसाई भाइयों को जो है वो अपने अपने घरों पर महदूद रहना पड़ा और चर्च को छोड़ना पड़ा। यकीनी बात है कि उनको भी उस वक्त तकलीफ हुई और हमारे हिंदू भाइयों को भी तकलीफ हुई, और इसी तरह इस वक्त मुसलमानों के लिए अलविदा, जुमा या ईद ये ऐसे मौके हैं कि हर मुसलमान ये चाहता है कि हम मस्जिद जा करके अपने अल्लाह को याद करें और उसके सामने सर झुकाएं। लेकिन मुल्की हालात और इस वबा की वजह से और इस लॉकडाउन की वजह से जो इंसानों की जान को बचाने के लिए कदम उठाया गया है, तो अब इस वक्त मुसलमानों से भी यही तकाजा रखा गया और कहा गया कि भाई आप लोग जो है वो अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ लें और इबादत या दुआ जो कुछ भी करनी है आप अपने घरों पर कर लें। ये यकीनी बात है कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा तकलीफ का सबब का बाइस है, बड़ी तकलीफ है। हर मुसलमान को तकलीफ है कि हम जुमे की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे हैं, या हम तरावी मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे हैं, या हम ईद की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये हर मुसलमान के लिए बहुत तकलीफ की चीज है, लेकिन हम इस बात पर मुबारकबाद देते हैं पूरे देश के मुसलमानों को कि पूरे देश के मुसलमानों ने अपने उलमा की और अपने धार्मिक गुरुओं की बात को माना है और इस तकलीफ को बर्दाश्त किया है, और इसके बाद अपने आप को रोके रखा, मस्जिद अपने घरों के अंदर तरावी पढ़ी, अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ी, अपने घरों के अंदर जुमा पढ़ा, और आगे भी मुस्तकिल हमारी आवाम और मुसलमान, पूरे देश के मुसलमान, हमारी जो बड़ी संस्थाएं हैं और बड़े लोग हैं और बड़े हमारे उलमा हैं, उनसे जो गाइडलाइन मिल रही है 100% हमारी आवाम उस पर चलने के लिए तैयार है। क्योंकि जाहिर बात है कि पूरा देश यही चाहता है कि देश बच जाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर एक ही चाहता है कि देश बचे, देश के वासी बचें, परेशानी से मुक्त हों और इन बीमारी और तकलीफों में न मुब्तला हों, हर एक ये चाहता है। और इसी वजह से आप देखिए कि लोग फाकों पर और भूखे रह रहे हैं, लोग अपनी बीमारियों के साथ अपने घरों के अंदर पड़े हुए हैं, उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनको सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए अपने रोजाना कमाने खाने वालों के लिए कमाने खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद देश के रहने वाले, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हो, अपने आप को रोके हुए हैं। और इसके बाद जिनको ईश्वर ने दे रखा है, चाहे वो मुसलमानों में हो या वो हिंदुओं में हो या वो सिखों में हो या वो ईसाइयों में हो, सब बढ़ चढ़ करके अपने गरीबों की मदद कर रहे हैं, अपने भूखों को खाना खिला रहे हैं, अपने बीमारों की सहायता कर रहे हैं उनकी, और ये सब जो कुछ हो रहा है ये इस वजह से कि हर एक ये चाहता है कि देश और देश के वासी बच जाए। और इसी बात को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब पहली मर्तबा लॉकडाउन का ऐलान किया था तो यही कहा था कि जान है तो जहान है, इस वजह से हमको इन सारी चीजों का पालन करना है और इस लॉकडाउन में सबको साथ देना है। उनकी उस आवाज पर देश ने पूरा साथ दिया और लॉकडाउन का पूरा पालन किया। शहर में हमारा शहर भी लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहा है और उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं।
अभी दो आज शाम को ही हमारे एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने हमको फोन करके बताया कि 18 मरीज हमारे रह गए हैं, बाकी सब नेगेटिव हो गए हैं और हम आशा करते हैं कि 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। और हम 2 दिन पहले हमारे SP साहब ने बताया था कि अगर हम 2-3 दिन के अंदर अपने सारे केसेस को नेगेटिव कर लेते हैं तो केरला के बाद देश के अंदर ये पहला शहर होगा फिरोजाबाद जो अपने सारे केसेस को नेगेटिव करके और कोरोना से मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाएगा। और हम ऐसी हमें आशा भी है और हमें उम्मीद भी है और हम अपनी आवाम से इस बात का पूरा यकीन रखते हैं कि हम उलमा की तरफ से और हमारे मजहबी रहनुमाओं की तरफ से जो पैगाम जुमे के सिलसिले में दिया जा रहा है या ईद के सिलसिले में दिया जा रहा है उसका पूरा पूरा पालन करें। तो देखिए बिल्कुल कितना मार्मिक वक्तव्य रहा दोनों ही हमारे धर्मगुरुओं का कि हम लोग सब चाहते हैं कि देश, हमारा जिला, हमारे अपने लोग मुझे लग रहा है कि निरोगी रहे, किसी भी तरह की कोई इनको परेशानी ना आए, क्योंकि हम सब एक दूसरे के समर्पित हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। आपके बिना हम अधूरे हैं, हमारे बिना आप अधूरे हैं, तमाम दर्शक अधूरे हैं। तो बहुत अच्छा दोनों ही धर्मगुरुओं का वक्तव्य था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि तमाम दोनों जो हस्तियां हैं बड़ा कीमती समय निकालने के बाद आई है, तमाम तरावियों का समय रहता है, तमाम ऐसी रात में इबादत का समय रहता है, लेकिन आपने अपने लोगों के लिए समय निकाला, आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए समय निकाला। तो मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा जो बताया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर अनुसरण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पालन करेंगे। और सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा, मुझे तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की आपने एक संदेश देने का काम किया और वो संदेश मार्मिक था, दिल को छूने वाला था। और हम लोग इंशाल्लाह महफूज रहेंगे और हम लोग ग्रीन जोन में आएंगे, ऐसी कामना हम लोग करते हैं। तो हमने बैक ग्रीन बना रखी है बिल्कुल आमीन करते हैं आप लोग बिल्कुल सही आपने कहा ग्रीन जोन है तो बैकग्राउंड भी ग्रीन है। जितिन भाई, ईद को लेकर जो हमारे शहर में खास तौर से एक माहौल है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर तबका ज्यादा है और लेबर क्लास ज्यादा रहता है, तो उनके यहाँ ईद का उत्सव बहुत अहम होता है और वो ईदगाह नहीं जा पाएंगे। तो हमने SP साहब की मीटिंग में भी ये बात रखी थी कि प्रशासन के लोग जो हैं इस वक्त थोड़ा सा अपनी गर्मी को शांत करके कुछ थोड़ा बहुत, अगर वैसे SSP साहब ने आप दोनों के लिए सलाम भेजा है मेरी अभी बात हो रही थी 10 मिनट पहले आपके बारे में बताया तो बोले अरे बहुत बढ़िया सेशन और आप सबको मेरा सलाम बोलना, बहुत अच्छी पहल है और कार्यक्रम शायद देख भी रहे हैं, मैंने उनको मैसेज भेजा है तो शायद वो हमें लाइव भी देख रहे होंगे। आपके ये इस माध्यम से हम वो मैसेज देना चाहते हैं जो हमारी अवामी नहीं, हमारे बहुत से हिंदू भाई जो हमसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, मुझे बाजार में रोक रोक कर कहते हैं, ऐसे बहुत से हमारे दोस्त हैं। नहीं तो ये तो बात नो डाउट है, आप मुस्लिम या हिंदू सिख ईसाई नहीं हो, आप सबके अपने हो, आप लोगों का व्यवहार, आप दोनों का इसलिए आपका बात करने का सलीका वो दिल को छूता है, वो हिंदू या मुसलमान वाली बात नहीं है। आप और अच्छी दिल से बातें कर, हमारा शहर जो है, हमारा जो शहर है ये शहर सुहाग नगरी है, इसका नाम ही सुहाग नगरी है, तो हमें यहाँ पर उन चीजों को ज्यादा महत्व देना चाहिए कि हमारी इस गंगा जमनी तहजीब को कोई तोड़े ना किसी भी तरह से। और जिस स्तर पर भी हम जाएं, तो हम चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो हम बिजनेसमैन और के व्यापारी के उस पर हो, हमें आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं शास्त्री मार्केट में, मैं उनका नाम भी लेता हूँ, शायद वो देख भी रहे हो, गोपाल एंड सन्स, बहुत मतलब हाँ, देखते हैं। हमारे कल उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने कहा मैं आपको बहुत याद कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके सेवा के लिए हाजिर हूँ। ये मोहब्बत ही तो है हमारी इस शहर से कि जो है हम लोग आपस में व्यापार भी करते हैं, आपस में बैठते, आपस में मिलते जुलते हैं, और हमें लगता है कि चाहे जितना कोई भी हमें नफरत पैदा करना चाहे, लेकिन हम लोग अपनी उस चीज को बिल्कुल खत्म करके और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ेंगे और हम बहुत जल्दी कोरोना मुक्त होंगे
और हमारा शहर बहुत जल्दी लॉकडाउन ऑफ करेगा और हम वापस लौट कर आएंगे। और क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे आस पास के पूरे यूपी के तमाम जिलों में, आपको आपको हैरत होगी, मेरी ज्यादातर जिलों में बात हो रही है, तो जिस तरह के एफर्ट्स हमारे यहाँ के प्रशासन ने किए, मैं बता नहीं सकता कि वैसे एफर्ट्स किसी जिले में हुए हैं। बगल में हमारा आगरा है, वहां के भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहां के भी लोग हैं, लेकिन जिस तरह के जमीनी स्तर पर हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने काम किया है, बहुत 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 काबिले तारीफ है। और आपके माध्यम से हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं, अगर वो भी लाइव हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपनी मेहनत की है। और हम उनको ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब हमारे धार्मिक स्थल खुले तो वो धार्मिक स्थलों पर आए और आकर एक मैसेज दें कि देखो हम लोग सब एक हैं और सारे धर्म के लोग एक साथ, सारे धर्म के धार्मिक स्थानों पर एक साथ मिलकर एक जश्न मनाए। वो ईद असल ईद होगी हमारी जब हमारा ये लॉकडाउन खत्म होगा और ईद हमारी इस तौर पर होगी कि हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। अभी हम गले भी नहीं मिल सकते, अभी हम हाथ भी नहीं, शेक हैंड भी नहीं कर सकते, तो फिर ये हमारी ईद कैसी होगी? मिठाइयों की दुकानें बंद है, मीठा नहीं खा सकते, आपको खिला नहीं सकते, तो ये ईद क्या है? ईद तो वो होगी जब हम अपने शहर के और जिले के लोगों की जानों को बचाकर मुक्त हो जाएंगे इस महामारी से, और फिर हमारी ईद होगी वो वाकई में खुशी मनाने वाली ईद होगी। हमें ये 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 आपके जरिए एक संदेश देना है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मैसेज जा रहा है इस मंच के माध्यम से और तमाम हिंदू मुस्लिम लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक सोच करते हैं। मुझे लग रहा है वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो केवल समाज को एक विवाद में फंसाना, तमाम फेसबुक पर मैसेज करते हैं उल्टे सीधे, तो मुझे लग रहा है ये विवाद की जड़ स्वयं उत्पन्न करना चाहते हैं। हालांकि हमारे लोग समझदार हैं, हम लोग समझदार हैं, हिंदू मुस्लिम की बात ना करके हम लोग कौम आवाम की बात करेंगे, हम लोग एकता की बात करेंगे, ना किसी जात धर्म की बात होगी। तो तमाम देखिए लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि यानी कि आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड्डू खान है, और मुझे भी सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं अच्छी एक पहल है। और जिस तरह ईद की बात, मैं ईद के सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे हिंदू भाई इस वक्त आपके इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ये बताना जरूरी है कि ईद है क्या और ईद में होता क्या है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ईद जो हमारे यहाँ ईद का ये जो त्योहार है, ये त्योहार असल इसलिए है कि जब हम 30 दिन रोजे रखते हैं तो गोया 30 दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने पापों से माफी मांगते हैं, आगे अपनी जिंदगी को अच्छा गुजारने की नियत करते हैं। एक तो रोजे का मकसद ये होता है, दूसरे रोजे का मकसद ये होता है कि हम भूखा रहकर सुबह से लेकर के और रात तक जब भूखा रहते हैं तो हमको ये एहसास हो कि जब किसी के घर में भूख आती है तो उसके ऊपर क्या गुजरती हो, जब किसी के ऊपर प्यास आती है तो वो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, ये एहसास हमारे अंदर पैदा हो जाए, फिर हम भूखे की भूख मिटाने की फिक्र कर सके, हम प्यासे की प्यास मिटाने की फिक्र कर सके। और ये 30 दिन लगातार इस्लाम को इसलिए करवाया जाता है ताकि ये एहसास दिल के अंदर पैदा हो जाए कि तुम दुनिया में खुद खाने के लिए नहीं आए हो बल्कि खिलाने के लिए आए हो, और तुम अपना पेट भरने नहीं आए हो बल्कि तुम दूसरों का पेट भरने के लिए आए हो, एक इंसान का पेट भरने के लिए, ये एहसास पैदा करने के लिए रोजा रखवाया जाता है। जब 30 दिन एक आदमी रोजा रख लेता है तो जाहिर बात है कि इसको पैदा करने वाला इससे राजी होता है, इससे खुश होता है, इसके पापों को माफ करता है, ये गोया पापों से धुल जाता है, और जब ये अपने पाप से और अपनी जिंदगी हो जाता है और खिलाने का जज्बा इसके अंदर पैदा हो जाता है तो फिर ये उम्मीद करता है और ये आशा रखता है कि अब ईश्वर इसको इनाम देगा। तो ईश्वर ने ये बताया कि जब तुम 30 दिन के रोजे रख लोगे और ईद का चांद निकलेगा और फिर तुम हमारे पास ईदगाह में आओगे
और हमारे सामने हाथ फैलाओगे तो हम उस वक्त तुमको माफ भी करेंगे, तुमको इनाम भी देंगे और तुम्हारे 30 दिन की इस मेहनत को कबूल करेंगे और तुम्हारे सारे पापों को धो देंगे और तुम एक नए सिरे से अपनी नई जिंदगी शुरू करोगे। ये ईद की, ये ईद का मकसद है। अच्छा, ईद जब आती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब ईद आए तो ईद की नमाज पढ़ने से पहले और ईदगाह जाने से पहले तुम में जो लोग मालदार हैं, जिनके पास 52.5 तोला चांदी है, जिनके पास 7.5 तोला सोना है या उनके पास बैंक बैलेंस है और इतना पैसा मौजूद है, तो वो अपने घर के हर फर्द की तरफ से अपना अपने अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपनी माँ, अपने बाप सबकी तरफ से 50 दान दें, सदका दें और उसकी मुझे लग रहा है मौलाना जी की आवाज ब्रेक हो गई, वॉइस नेटवर्क प्रॉब्लम था ऐसा लग रहा है। मौलाना याकूबी साहब आपकी आवाज आ रही है ना? मुझे लग रहा है दोनों का नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक ही नेटवर्क से आप लोग हैं। तो कन्हैया लाल दुबे जी कह रहे हैं बहुत सुंदर पहल, सकारात्मक पहल, और मोहित शर्मा भी इस बात की सराहना कर रहे हैं, केस खान भी हैं ये भी सराहना कर रहे हैं, नकीब अंबा अनवर हैं ये भी इस अच्छी पहल की सराहना कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है तमाम मुस्लिम भाई हैं, तमाम हिंदू भाई हैं, राजीव यादव भी कह रहे हैं, सभी समुदाय के लोग अपने जिले को कोरोना से बचाव रखते हुए आपसी सद्भावना के साथ रहें और सुरक्षित तरीके से अपने त्योहार को मनाएं। संध्या अग्रवाल भी वॉच कर रही हैं और राजू कैटरिंग हाउस भी जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र गौतम है, सभी मौलानों का तले तहे दिल से शुक्रिया ऐसा इनका कहना है। और मोहम्मद अमन भी जुड़ चुके हैं। अमान मौलाना साहब, ईद की नमाज कैसी होगी, घर पर होगी ये बताएं। और सौरभ शर्मा भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं लेकिन यहाँ मंच पे जो सामाजिक सामंजस्य पैदा करने का प्रयास किया गया है वो अच्छी पहल है ऐसा इनका कहना है। श्री भगवान राठौर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, यानी कि तमाम लोग इस हमारे इस कार्यक्रम को सार्थक रूप दिए हुए हैं, तमाम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक जो मैसेज देने का प्रयास हमने किया उसकी सभी सराहना कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, ईद को हम लोग मिलजुल के बनाएंगे। ईद में मुझे नहीं लगता तमाम हिंदू भाई भी सेवैया खाने जाते थे और जाते हैं और इस बार हालांकि नहीं खा पाएंगे। तो ये तमाम दोनों शख्सियत थी, मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी जी, मौलाना आदम मुस्तफा जी और मुफ्ती क्वासिम रजी साहब, आपसे संपर्क नहीं हो पाया हालांकि। तो मेरा इस कार्यक्रम का देखिए, प्रतिदिन हमने कोविड पर चर्चा की, आप मुझे सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। हमने कल जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, 3 दिन पहले अन्य लोगों से चर्चा की। तो हमारा जो उद्देश्य है, हम विवादित करना नहीं चाहते, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना चाहते, हम सभी को एक मंच पर लाकर हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग समाज के लोग हैं, हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले हैं, सभी मजहबों को मानने वाले हैं। ऐसी स्थिति जब हमारी बनती है, ऐसा माहौल जब बनता है, तो हमको एक ही संदेश देना चाहिए। जिस तरह मौलाना ने बताया कि होता भी है, जुमे की नमाज हम लोग करते थे पिछली बार भी कवरेज करने के, तमाम 15 साल से कवरेज कर रहे हैं, रमजान का पाक महीना है, इबादत के बाद लोग जो जुमा है उसको अलविदा कहते हैं। तो तमाम हिंदू भाई सदर बाजार में कपड़े की दुकानें हैं, तमाम ऐसी दुकानें हैं जहां लोग बैठ के नमाज अदा कराते हैं, लोग बैठ के इबादत कराते हैं, अपनी दुकानों में बैठालते हैं, तमाम हिंदू भाई पानी की व्यवस्था करते हैं, लोगों को बैठने की छांव की व्यवस्था करते हैं, मुस्लिम भाई हिंदू त्योहारों में रामलीला में ड्यूटी लगती है,
देखिए भले लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो मैं आज की मेरी बात किसी को अगर गलत लग रही हो तो मैं माफी चाहूंगा, वो मेरे कार्यक्रम को ना देखें। लेकिन आज मौका इसलिए है कि कल जुमा अलविदा है, जुमे को लेकर हमारे तमाम धर्मगुरु क्या लोगों से उम्मीद रखते हैं, क्या लोगों से अपना मैसेज देंगे, इन सब पर चर्चा करनी चाहिए। तो मेरा यही उद्देश्य था, मैं उद्देश्य की ओर सकारात्मक रूप से चल रहा हूं, और जो लोग विवादित करना चाहते हैं, भीकम सिंह कह रहे हैं अपने सेटअप में कुछ सुधार करें, कुछ मुझे लग रहा है कि इनको आवाज नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं। देखिये मिर्जा फोकान भाई कह रहे हैं माशा अल्लाह शर्मा जी बहुत सुंदर लग रहा है, तो देखिए आपको अच्छा लगता है, तमाम लोगों को अच्छा लगता है जो सामाजिक लोग हैं, जो हिंदू नहीं है मुस्लिम नहीं है, पत्रकार हैं हम लोग, हम सब, हमारा कोई जाति धर्म नहीं है, पुलिस का कोई जात धर्म नहीं है, समाज सेवा करने वाले का जात धर्म नहीं है, नेता का कोई जात धर्म नहीं होता, वो दर दर जाकर वोट मांगता है, दर दर जाके मदद करता है लोगों की। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसलिए इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कल जुमा अदा की नमाज तमाम मुस्लिम भाई अपने अपने घरों में अदा करेंगे, और जब ईद आएगी तब भी हम लोग इबादत घर से करेंगे, ऐसा धर्म गुरुओं ने कहा है। उसके बाद हम लोग एक दूसरों को शुभकामनाएं फोन से भी दे सकते हैं, गले नहीं मिल पाएंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंस भी रखना है, लेकिन गले मिलना इतना जरूरी नहीं है जितना दिल से गले लगना चाहिए। हम लोग अपने दिल से मुबारकबाद देंगे, तहे दिल से मुबारकबाद देंगे, और इंशाअल्लाह यही कामना करेंगे कि ईश्वर हमारे लोगों को, हमारे साथियों को, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को निरोगी रखे जी सर, स्वस्थ रखे। मौलाना आदम मुस्तफा साहब फिर जुड़ चुके हैं, मुझे लग रहा नेटवर्क प्रॉब्लम रही थी तो मैंने बीच में आपकी बातें कह दी। आप आप लोग चाह रहे हैं कि थोड़ी सी बात रह गई मेरी, जी जी बताएं। तो मैं ईद के बारे में बता रहा था कि ईद के बारे में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिन लोगों के पास माल है और मालदार हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है या इसके बराबर पैसा है, वो लोग अपने घर के हर फर्द की तरफ से कम 50 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए दान दें, ताकि एक गरीब के घर में भी चूल्हा जले, एक गरीब भी ईद की खुशी मना सके। और दूसरी बात, मोहम्मद साहब ने इस बात को, इस दान को अपने और अपने खानदान के लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि ये दान का पैसा मेरे और मेरे खानदान के लोगों को नहीं दिया जाएगा, बाकी सारे जनमानस को दिया जा सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और अपने खानदान यानी उनकी औलादों के लिए और उनकी औलादों के लिए इस पैसे को प्रतिबंधित कर लिया कि जकात का पैसा और सदके का पैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बच्चों को और उनकी औलादों को दिया जाएगा, बाकी सबको दिया जा सकता है। तो ये ईद के दिन जरूरी करार दिया गया कि हर पैसे वाला एक गरीब को पैसे दे करके उसके घर में भी चूल्हा जलाने का काम करे, और ईद के दिन हमको जो हुक्म दिया गया वो अपने पैदा करने वाले की बड़ाई बयान करने का हुक्म दिया गया कि जो हमारा तुम्हारा पूरे पूरी इस धरती का मालिक है, हम उसकी बड़ाई बयान करें। उसके लिए जब जुमला बोला जाता है अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसके माना है कि ईश्वर महान है, ईश्वर महान है और ईश्वर के अलावा पूजे जाने के लायक कोई नहीं है, ईश्वर महान है, ईश्वर महान है, और तमाम तारीफें उसी ईश्वर के लिए हैं जिसने इस पूरी धरती को बनाया है। ये जुमले हमको बताया गया कि ईद के दिन ज्यादा से ज्यादा आपस में जब मिलो तो इन्हीं जुमलों के साथ मिलो, और जब बैठो तो इन्हीं जुमलों के साथ बैठो, और खड़े हो तो इन्हीं जुमलों के साथ खड़े हो। ये हमारी ईद है और ये इस्लाम की ईद है जो इस्लाम ने सिखाई। और फिर फरमाया कि तुम्हारे पास जो अच्छे कपड़े मौजूद हो वो अच्छे कपड़े पहनो, तुम्हारे पास अच्छी खुशबू मौजूद है खुशबू लगाओ, तुम्हारे पास अच्छा खाना पकाने के लिए जो मौजूद है तुम अपने घर में अच्छा खाना पकाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ, अपने दोस्तों के घर जाओ, अपने रिश्तेदारों से मिलो, अपने रिश्तेदारों के घर जाओ। ये हक करार दिया कि अपने रिश्तेदारों से जा करके मिलो और उन्हें ईद की मुबारकबाद दो। ये है पूरी इस्लाम में ईद। इसके अलावा जो कुछ होता है,
के नाच गाने हों और गाने बाजे हों और जुआ खेला जाए और शराबे पी जाए, इसका ईद से और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कभी भी इस्लाम ने इन चीजों की न इजाजत दी न इनको ईद का कोई हिस्सा करार दिया गया। सिर्फ चूंकि लोग नहीं जानते हैं या उन्हें पता नहीं है और खुशी मनाने में हद से आगे बढ़ जाते हैं और तकलीफ और अपने मन चाही करने लगते हैं, उसका नाम इस्लाम नहीं है, उसका नाम दीन नहीं है। इस्लाम में जो ईद है वो मैंने आपके सामने बताई कि ईद क्या है, वो ईद हमको मनानी है। और इस वक्त क्योंकि हमारा देश एक बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है तो हमें अपनी खुशी को भी लिमिटेड बनाना है। ठीक है, खुशी है, हमने अपने पैदा करने वाले को राजी किया, उसका हुक्म पूरा किया, अब हम उसके सामने शुक्राना अदा करेंगे, दो रकात नमाज पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे, लेकिन अपनी इस खुशी को आने वाले दिनों के लिए रखेंगे कि जब हमारा देश कोरोना मुक्त होगा तो हम सब मिलकर के, पूरा देश मिलकर के ईद भी मनाएगा और दिवाली भी मनाएगा और क्रिसमस भी मनाएगा, हम सब मिलकर के मनाएंगे और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होंगे। हम और आप सब इसकी प्रार्थना करें, ईश्वर से मांगे, अल्लाह से मांगे कि इस देश को इस वबा से और इस बला से ईश्वर निकाल दे और बचा ले और हम सब अपने ईश्वर को इस पर राजी कर ले, तो फिर हमारी असल ईद होगी और हम असल खुशी मनाएंगे। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है बहुत अच्छा संदेश है। अच्छा याकूबी साहब, मैं पूछना चाहूंगा, आप धर्म ग्रंथ पढ़ाते भी हैं, मदरसा भी चलाते हैं, तो क्या बिना ईदगाह के भी ईद की नमाज घर से अल्लाह कबूल कर सकता है क्या? देखिए, ईद की नमाज ईदगाह में क्यों पढ़ी जाती है? ईद की नमाज ईदगाह में इसलिए होती है कि जो आसपास गांव देहात के लोग हैं वो सब एकजुट होकर अपने रब के सामने, अपने पैदा करने वाले और परमेश्वर और ईश्वर के सामने एक संदेश दें, और वो संदेश ये है कि सब के सर झुक गए और सारे सब एक उसके सामने आ गए। ईदगाह में इसलिए नमाज होती है। अब क्योंकि ये नमाज साल में एक बार होती है तो सबकी एक इच्छा होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग ईदगाह में नमाज पढ़ें। फिर भी अब क्योंकि मस्जिदों में नमाजें होने लगी हैं तो मस्जिदों में जो नमाज पढ़ रहे हैं, जहां ईद की नमाज हो रही है वहां अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनकी भी नमाज हो जाती है। लेकिन अगर ईद, ये जो इमरजेंसी के हालात हैं, लॉकडाउन के हालात हैं, इन हालात में जब हम फर्ज नमाज घरों में पढ़ रहे हैं तो ये जो ईद की नमाज है ये एक वाजिब नमाज है जो फर्ज से उसका स्टेटस थोड़ा नीचे होता है। तो इस नमाज को ऐसी हालात में, आम हालत में नहीं, ऐसे हालात में जिन हालात में हम इस वक्त गुजर रहे हैं उन हालात में ये मजबूरन यानी ये कोई ये नहीं है कि साहब कोई हमारे पास प्रेशर है, नहीं, ये मजबूरी दर्जा है, इसलिए हम वहां नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो अगर हम घर पर पढ़ लेंगे या पांच लोग मस्जिद में पढ़ लेंगे तो उनको सवाब वही मिलेगा, हमें अल्लाह से यही उम्मीद है। इसलिए ये जो ईद की ईदगाह में जाना नहीं हो जाएंगे तो नमाज ही नहीं होगी या ईद नहीं होगी, या ये घर में भी पढ़ी जा सकती है, ये घर में नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन आप बताइए, लॉकडाउन के अलावा क्या ये मुमकिन हो सकता है कि हम ईद में की नमाज घर में पढ़ लें? ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये ऐसे इमरजेंसी के हालात हैं और इस्लाम ने इमरजेंसी के हालात में बहुत सारे ऐसी सहूलत दी जिसमें हम आपको दो तीन एग्जांपल दे रहे हैं। नंबर एक, अगर कोई सफर में जा रहा है और ट्रैवलिंग कर रहा है तो ट्रैवलिंग में अगर रोजा और फास्ट और उपवास नहीं रखता है तो इस्लाम ने उसकी गुंजाइश दी, कहा कि नहीं रखे कोई बात नहीं है, बाद में उसकी कजा कर ले घर आकर। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल कि अगर कोई सफर में जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है तो ट्रैवलिंग में बहुत टेंशन रहती है तो वो वहां पर अटेंशन नहीं होता है और अटेंशन नहीं होगा तो इबादत में मजा नहीं आता है, क्योंकि जब तक आत्मसमर्पण ना हो, जब तक के आदमी अल्लाह के सामने एकदम ध्यान ना हो उस वक्त तक वो इबादत नहीं होती। तो वहां क्या किया कि भाई जो नमाज चार रकात वाली है, जैसे हमारे पूरे दिन भर में
फर्ज और वाजिब नमाजें 20 रकत पढ़ी जाती, उन 20 रकत में 5 रकतें कम कर दी अगर ट्रैवलिंग में आप जा रहे हैं, तो ये इस्लाम की एक बड़ी खूबसूरती है कि इस्लाम ने आसानियां हमें बताई, लोगों के सामने इस्लाम को आसान करके पेश नहीं किया जा पाता, इसलिए लोग ये समझते हैं कि इस्लाम बहुत कट्टरवादी मजहब है। हरगिज ऐसा नहीं है, ये इस्लाम की ज्ञान न होने की वजह से, जिसको इस्लाम का पूरा ज्ञान होगा वो ये बात समझ ले कि इस्लाम में जितना ज्यादा पोलाइटली जितनी आसानियां जितनी सहूलतें दी गई हैं वो किसी मजहब में नहीं है, जितनी सहूलतें इसके अंदर। इसीलिए मोहम्मद साहब ने फरमाया अद्दीन युसरुन, दीन बहुत आसान है, इस्लाम मजहब बहुत आसान है, उसमें अमीर भी गरीब भी पढ़ा लिखा भी अनपढ़ भी शहरी भी देहाती भी हर तबके के लोग अमल कर सकते हैं। अमीर है तो ज़कात दे, गरीब है तो वो ज़कात ले, अगर उस अमीर से भी नीचे करता है मिडिल क्लास है तो सदका दे यानी दान दे। ये देखिए कैसा सिस्टम दिया है, उस सिस्टम को समझने की जरूरत है। और इस्लाम आया ही है डेवलपमेंट के लिए, इंसान की जान इंसान का माल इंसान की इज्जत और आबरू, इन तीनों का ये पिलर्स हैं, इन तीनों की ये डायमंड कहा गया है, ये पूरी पूरी डायमंड है जो हमें मिले, इंसान की जान इंसान के माल इंसान की इज्जत और आबरू, इन सारी चीजों की हिफाजत और उसका डेवलपमेंट, ये इस्लाम का मेन मोटिव है। तो सबसे पहले उसमें जान है, उसके बाद माल है, उसके बाद उसकी इज्जत और आबरू है, ये तीनों चीजों को किस तरह से डेवलपमेंट करना है, किस तरह उसकी हिफाजत करना है, ये इस्लाम ने गाइड किया। हम लोग ईद के जरिए कि अगर हम ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारी ईद बेकार हो जाएगी या हमारी नमाज का सवाब नहीं मिलेगा, ये आम हालत नहीं है, बस ये सबको समझना चाहिए, ये इमरजेंसी के हालात है। इमरजेंसी के हालात में जो छूट दी जाती है वही छूट है, मजबूरी है, हम उस मजबूरी पर अमल कर रहे हैं। और अभी तक पूरे रमजान में और रमजान से पहले से जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों ने जिस तरह से हमारे धर्म गुरुओं की बातों को उलमा की बातों को माना है, वो वाकई ये हिस्ट्री लिखने वाला है, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि किस तरह से उन लोगों ने हम लोगों की बातों को माना और हर हर जगह पर हम लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया, और जिससे आज देश में जो इतने कम केसेस हैं उसमें आपने जो शुरू में कहा था जितेंद्र भाई कि शुरुआत में कि धार्मिक लोगों ने जिस तरह से पोलियो से पूरे मुल्क को नजात दिलाई थी, आज मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि यही धार्मिक लोग पूरी दुनिया में ही नहीं कि पूरी दुनिया में व्हाइट हाउस के अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है, व्हाइट हाउस में धार्मिक मुस्लिम धर्म गुरुओं को बुलाया जा रहा है, अमरीका जैसा वर्ल्ड क्यों, तो ये एक सब जानते हैं कि एक पॉजिटिव एक ऑथेंटिक एक लॉजिकल ये मजहब है। इसलिए सारी दुनिया को ये संदेश देना है कि हम धर्म गुरुओं के जरिए जो ज्ञानी लोग हैं उनके जरिए हम लोग सही ज्ञान हासिल करें और सही ज्ञान सीखने के लिए उत्साहित हो, अपने अंदर इच्छा शक्ति को जगाएं कि हम इस्लाम के बारे में क्या क्या जानें। जब हम मुकम्मल जान लेंगे, मैं तो जितेंद्र भाई आपसे कहूंगा कि आप क्योंकि आप एंकर हो और एंकर होकर आपको हर मजहब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और हम जैसे लोग कम इल्म है बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो बहुत ज्ञानी होंगे तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये आपका प्रोग्राम पूरे फिरोजाबाद में पूरी पूरे देश में पूरी दुनिया में देखा जाएगा, और आपकी इस कोशिश पर मैं आपको तो मुबारकबाद देता हूँ, मैं आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि जिसने इस तरह की पहल की है और इससे एक अच्छा और पॉजिटिव संदेश जा रहा है। और बिल्कुल हम मुस्लिम भाइयों को फिर ये बात कहते हैं, याकूबी साहब मैं दो एक टैक्स थोड़ा मैं अपना चार्ज भी लेता हूँ लाइव डिबेट में, तो चार्ज मेरा एक है आप दोनों से कि सबसे पहले तो हमारे सहयोगी साहिल खान को आप आशीर्वाद दें, वो मेरा छोटा भाई है, वो साहिल से पूछिए, वो मेरा छोटा भाई है और वो बहुत एक्टिव लड़का है, मैंने उसको बहुत सारी चीजें जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने खुद ये कोर्स पढ़ा है, इसलिए मैं जानता हूँ कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में कि लीड कैसे बनाई जाती है, न्यूज क्या होती है एंड क्या कैप्शन होता है, कैसे न्यूज बनाई जाती है और कैसे उसको बर्निंग टॉपिक बनाया जाता है, कैसे डिबेट की जाती है,
बहुत सारी चीजें मैं उसको बताता रहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए जब हम सामने बैठे तो अच्छे क्वेश्चंस करें जिससे लोगों को ज्ञान पहुंचे और एकता का संदेश जाए। नहीं मुझे मालूम है, जब तिरंगे को लेकर आदेश दिया था सरकार ने मदरसों में तिरंगा लहराया जाएगा, मुझे अच्छे से याद है कि सबसे पहल आपने की थी और हम कवरेज भी करके लाए थे और आपने कहा भी था कि क्यों नहीं हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके फ्लैग को हम नहीं लहराएंगे तो क्या पाकिस्तान में लहरेगा, ये आप ही के शब्द थे। आप दोनों शख्सियत मुझे लग रहा है कि स्वयं में अपनी पहचान है और समाज को आप पर गर्व है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग आप पर गर्व करते हैं। दूसरा एक टैक्स मेरा ये है कि मैं आपके माध्यम से चाहूंगा आप दर्शकों से एक अपील करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे तमाम लोग जो रह गए हैं वो देख सकें, तो आप दोनों बारी बारी से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि आपके माध्यम से हर जो भी स्टैंड आप बनाए जिस प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों को भी आप बुलाए उन लोगों के कैरेक्टर को, उन लोगों के शब्दों को, उन लोगों की थॉट्स को, अगर आप एज अ एंकर एक पॉजिटिव थिंकर हैं तो ये याद रखिए कि आप और आपकी नियत में शुद्धता है और आपकी नियत बिल्कुल क्लियर है और ट्रांसपेरेंट है और आप जस्टिस पर बेस बनाकर इंसाफ पर मबनी होकर अगर आप काम को लेकर आगे चलेंगे तो हर एक वीडियो नहीं, आने वाले दिनों में जितेन भाई आपको नेशनल एंकर बनना है, ये हमारी आपके लिए प्रार्थना भी है। और यही नहीं कि हमारी वीडियो शेयर हो बल्कि हर आपके इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हर एक की ऐसे वीडियो शेयर हो जिस पर एक संदेश जाए, एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश, इंसानियत का संदेश, मानवता का संदेश, ताकि पब्लिक, ताकि इंसानियत को पता चले कि जितेन भाई एक जर्नलिस्ट खाली एक आम जर्नलिस्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी शाम को डीडी नेशनल के लोग मेरे पास आए और मेरी बाइट लेना थी उन्हें, तो मैंने आपका जिक्र किया कि मैंने आज रात को वो प्रोग्राम जितेन भाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा जितेन भाई से मेरी मुलाकात है और बहुत अच्छे से है और बहुत अच्छा है कि उन्होंने आपको बुलाया, क्योंकि जाहिर है हमें आपका जो ये प्लेटफॉर्म है खाली इसको ईद और जुमे तक ना महदूद करिए, इसको और प्लेटफॉर्म दीजिएगा वक्त वक्त पर, और हमारी आपके साथ सारी दुआएं भी है और हमारे हम अपना सारा सहयोग भी करेंगे, जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है जिस भी लाइन का उसके लिए हम तैयार है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो, सिर्फ पॉलिटिकल ज्ञान हमसे ना लीजिएगा, हम पॉलिटिक्स वाले लोग नहीं है। अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि सारे ही दर्शक इन सारी चीजों को आगे शेयर करें, लोगों तक पहुंचे कि ये एक ऐसा माध्यम है कि जहां पर बगैर किसी भेदभाव के एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अपनी बात कहने का, तो अगर हम इसमें सहयोग करेंगे तो ये एक नेक काम होगा, एक अच्छा काम। मौलाना आदमा और मुस्तफा साहब, मयंक भाई, एक तो ये है कि आपका ये प्रोग्राम हम जैसा कि दूसरे मोबाइल पर देख रहे हैं कि हमारे शहर की बहुत बड़ी हमारे हिंदू भाइयों की तादाद है जो इस प्रोग्राम को देख रही है और उनके लिए शायद हम लोगों के चेहरे नए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी समझता हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए कि हम उनके लिए नए नहीं है। हम रहने वाले तो जरूर रायबरेली जिले के हैं लेकिन हमारे फादर 1966 में फिरोजाबाद इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर बन करके आए थे और 1996 से लेकर के 2006 तक वो इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे और उसके बाद वो रिटायर हो गए और 2006 से फिर मैं भी इस्लामिया इंटर कॉलेज में ही लेक्चरर हूँ और यहाँ शहर में हम खुद अपना एक इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज चला रहे हैं अबू हुरैरा के नाम से, अबू हुरैरा डिग्री कॉलेज भी है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, अबू हुरैरा इंटर कॉलेज है, तकरीबन 1700-1800 बच्चे हमारे इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अभी हमारा डिग्री कॉलेज का जो है ये दूसरा साल है और तकरीबन 250 बच्चियाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ रही हैं। ये थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड है और हम इस शहर में की अब एक एक ईंट से मोहब्बत करने लगे हैं क्योंकि जाहिर बात है कि इतना अरसा गुजर गया है, हमारी तो पैदाइश ही यहीं की है इसलिए हम तो अब यहीं के वासी हो गए हैं। हो सकता है कि चेहरा नया हो लेकिन इसी वजह से मैंने इंट्रोडक्शन दिया
कि इस वक्त भी मैं इस्लामिया कॉलेज में लेक्चरर हूँ और उर्दू सब्जेक्ट है मेरा। और दूसरी बात ये कि जैसा कि अभी हमारे मौलाना आलम साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो बातें प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं पहुंच पाती हैं वो सोशल मीडिया से पहुंच रही हैं। और ये चैनल आपका ऐसा है कि जिसके जरिए से हम दूसरे मोबाइल पर देख रहे हैं कि हर मजहब के लोग जुड़े हुए हैं और सब इसको देख रहे हैं और एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और मैं अब इस वक्त जो जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में देखें, मैं उन सबको दावत देता हूं कि हमारे जितेंद्र भाई को कि इस प्रोग्राम को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और फिर मैं वही बात कहूंगा जो मौलाना आलम मुस्तफा ने कही कि हमारी इस प्रोग्राम में शिरकत सिर्फ ईद और बकरीद ही पर ना हो बल्कि हम और हमारे जैसे जो जिनको आप समझते हो या आपको अच्छा लगे ऐसे लोगों को आप अपने प्लेटफॉर्म पर लाएं और अलग अलग मौजू पर अलग अलग चीजों पर अलग अलग टॉपिक पर उनसे बातचीत की जाए, डिबेट की जाए, पूछा जाए, तो बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी चीजें सबके सामने आएंगी। बहुत अच्छा लगा हमें आपके इस प्रोग्राम में आकर के और बहुत खुशी हुई। आपकी एक अच्छी पहल है और हम ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में आप हमारे देश के एंकर बने और हमारे पूरे देश में आपकी बात चले और दुनिया और हमारे पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े चैनल हैं वो चैनल आपको अप्रिशिएट करें और आपको दावत दें और आप उनको संभालने वाले बन जाएं। हम इसकी प्रार्थना करेंगे और हम ऐसी आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में बड़े चैनल पर हम आपको एक एंकर की शक्ल में देखेंगे। चलिए धन्यवाद, मुझे लगा बहुत अच्छा लगा। देखिए तमाम हिंदू भाई भी तिरंगे की बात का सम्मान कर रहे हैं, तमाम आपके जो हिंदू मुस्लिम एकता की, मैं भी अपने दूसरे मोबाइल में देख रहा हूँ कि तमाम हिंदू मुस्लिम एकता की बात को सराहना कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब तक हम एक दूसरे को नहीं जानते, नहीं मिलते, तब तक मन में विषैलापन, मन में द्वेष, मन में इस तरह की घृणा रहती है कि पता नहीं क्या है। लेकिन जब हम सुनते हैं अखबार में, हम केवल दिखते हैं, वीडियो में केवल चलते हैं, लेकिन लाइव में हम सुन रहे हैं आपकी भावना, दिल से निकलने वाली हर एक आहट को, मन में उपजने वाली हर समस्या का समाधान को जब आप बता रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति, अगर मुझे लग रहा है कि वास्तव में वो जाहिल हो तो बात अलग है, नहीं तो समझने वाला व्यक्ति इन भावनाओं को समझता है। तो मुझे लग रहा है कि सब लोग समझ रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि हमारा कार्यक्रम अच्छे स्थिति में जा रहा है। अभी भी फॉलोवर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तमाम लोग अपने अपने सवालों से हम लोगों से चर्चा करना चाह रहे हैं। एक एक बात जितिन भाई, एक एक बात रखूंगा कि एक जो हमारे खास तौर से हम जैसे लोगों को देखकर हमारे बहुत सारे भाइयों को ये महसूस होता है कि सब एक ही सोच के और एक ही कट्टरपंथी और एक ही फिक्र के लोग हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग जैसे कि अभी मौलाना आदम मुस्तफा साहब ने बताया अपना बैकग्राउंड, मैं भी बता दूं आपको कि हमने दुनिया के पढ़ाइयों में भी मास्टर्स किया और वो भी कंप्यूटर में किया, MCS किया मैंने, बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज किए, कंप्यूटर का मैं 5 साल इंस्ट्रक्टर रहा और आज भी मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। तो खाली ये नहीं है कि मैं धार्मिक गुरु हूँ, मैं साथ में कंप्यूटर का ज्ञान भी मैंने बहुत सारे आपके शहर में मैंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है कंप्यूटर आपको, या आपको पता नहीं याद हो या नहीं कि मैंने सन 2002 में इंस्टीट्यूट खोला था और आज तक वो चल रहा है। तो और उसमें बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं और इसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कोर्सेज कराए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इस धार्मिक ही पढ़ाई पढ़े हुए हैं, हम इसीलिए आपके सामने ऐसी बातें रखते हैं जो आमतौर पर आपको नहीं नजर आती है दूसरे लोगों में। वो यही डिफरेंट है कि हम लोग चार भाई हैं और चारों भाई मास्टर्स हैं, क्या हुआ इसलिए प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए हैं ताकि लोगों तक दुनिया को सामने रखकर दुनिया की बातें और धार्मिक लोगों के सामने धार्मिक बातें रख सके। बिल्कुल, जैसा 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 वेश, जैसा देश होगा वैसा वेश पद्धति में। देखिए तमाम लोग मोहम्मद यानी कि
रहमान है वो भी आपकी सराहना कर रहे हैं, मोहम्मद सोएब हैं, सुभाष शुभम शर्मा है वो भी बहुत सराहना कर रहे हैं, मुझे लग रहा है तमाम लोग हैं, नाम लेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, मिर्जा फुरकान भी हैं, माधव जिंदल भी हैं, ये भी बहुत अच्छी सराहना कर रहे हैं, मानसी गुप्ता हैं, सुमित गुप्ता हैं, मोहित शर्मा हैं, आकाश यादव हैं, ये तमाम जेली के दर्शन है, ध्रुव पंडित हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, ध्रुव पंडित भी हैं, ध्रुव शर्मा है, निक्की अरोड़ा है, ये तमाम लोग प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, पूरा समय देते हैं, और आप एक यकीन मानिए आपको भी तमाम लोग सुन रहे हैं, और बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है रामबाबू झा काठ बाजार से एसोसिएशन से हैं, अभी आग लग गई थी काठ बाजार में, आपने सुना हुआ कितना नुकसान हुआ लेकिन ये भी कह रहे हैं बहुत खूब दोनों मौलाना साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लग रहा है आज का जो कार्यक्रम था, आज की जो अपील थी बहुत अच्छी रही। एक अभी एक साथी ने सवाल दिया था, मैं सर्च कर रहा हूँ वो कहीं से मिस हो गया, उन्होंने कहा कुछ महिलाएं हमारे मुस्लिम भाई थे वो ईद की खरीदारी कर रही हैं, तो उनके लिए भी कुछ मैसेज देते हैं कि खरीदारी के लिए परेशान हो रही हैं। देखिए हमने आपको याद हो मैंने एक हफ्ता पहले एक अपील की थी कि ये साल ईद मनाने का अभी नहीं है, ये सादगी से ईद मनाने का है। इस बार हम बहुत सारे गरीब और ऐसे जो मिडिल क्लास के लोग थे वो इस दो महीने के लॉकडाउन में बहुत ज्यादा भूख से परेशान है, और हमारा धार्मिक इस्लाम ये कहता है कि तुमको दुनिया में भेजा गया है खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, दूसरों को नफा पहुंचाने के लिए। अगर हम अपनी खुशियों में मस्त होकर और दुनिया को इग्नोर करके और भूखों को, पड़ोसियों को, नंगों को छोड़कर हम अपनी चीजों में मस्त रहे तो हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। ये हम ये संदेश देना चाहते हैं उनके जरिए कि वो महिलाएं भी थोड़ा सा सोचे कि ये ऐसे आम हालात नहीं है जिन हालात में हम लोग ये इस तरह की खुशियां मनाएं। ये साल ऐसा है कि जिस साल में हम भूखों को खिलाकर, भूखों और नंगों को पहनाकर खुशियां हासिल करें, हम अपने घर में रहें और दूसरों को भूखों को खाना खिलाकर और उनको कपड़ा पहनाकर खुश हो, हम अपने कपड़ों पे आज सादगी से ईद मना लें, हम संदेश देना चाहते हैं इस मौके पर। नहीं मुझे लग रहा अच्छा है, हम भी अभी तक कहते थे कि ये पूरा लॉकडाउन चल रहा था, तमाम जानवर, देखिए जानवर की तो कोई जाति धर्म है नहीं, वो तो कुत्ता आपका मतलब मुस्लिम भाई का भी है, हिंदू का भी है, गाय सबके लिए माता है, तमाम जो आवारा जानवर थे। तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने अपील भी की थी कि दो रोटी आप ज्यादा बनाएं, अपने आसपास के गाय कुत्ता या आवारा जो भी जानवर उसको दें। कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 जून की रोटी नहीं खा पाते, सुबह खा रहे हैं तो रात को नहीं मिल पाती, ऐसे लोगों को भी अगर लगता है तो इनकी मदद करें। तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ऊपर वाला राम रहीम और तमाम जो जिसको हम मानते हैं वो हमारे लिए अता फरमाएगा, और मुझे लग रहा है कि हम लोगों के लिए रोजी रोजगार व्यापार में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल तो, वही बात आपने कही है कि ईद को हम लोग नई चीजें पहनकर, हम लोग संपन्न है तो इस तरह से ना मनाए कि हम लोग बाजार में खरीदारी करें, हम लोग दुकान खुलवा के खरीदारी करें, हम लोग उनकी मदद करके मनाएं। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है। तो मौलाना आदम उस्मान जी आपसे भी चाहूंगा। निजा बिल्कुल, तो बात पूरी कह दी है मौलाना आलम मुस्तफा साहब ने कि इस वक्त जो है वो अपनी खुशी से ज्यादा अपने पड़ोसी की खुशी की फिक्र है कि हमारा पड़ोसी खुश हो, हमारा हमारा रिश्तेदार खुश हो, उसके घर में चूल्हा जले, उसकी तकलीफ दूर हो, इसकी फिक्र करनी चाहिए। घर के बाहर निकलकर खरीदारी करना और वो करना पूरी जिंदगी पड़ी है, आगे बहुत मौका मिलेगा, ना बाजार कहीं जा रहा है ना आपका पैसा कहीं जा रहा है, ईश्वर ने दिया है तो खूब खरीदना, खूब बनाना, खूब खर्च करना, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारे पास है इसको अपने अपने आसपास के लोगों की भूख मिटाने पर, परेशानी दूर करने पर खर्च करो, ये जमा होगा और इसका तुम्हें कल मरने के बाद इसका बदला मिलेगा। इसलिए बिल्कुल इस वक्त बाजारों को इस तरह आबाद करना कि हम अपनी खुशियों में मगन हो जाएं और दूसरों को भूल जाएं, ये एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं। अच्छा इंसान वो है जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे,
दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे अच्छा इंसान वो है। इसलिए ऐसी ही इंसानियत के साथ अपने आप को आइडियल बनाकर पेश करना चाहिए। और मैं फिर एक बात और कहूंगा कि इस सिलसिले में हरगिज ये ना देखा जाए कि ये मुसलमान है या हिंदू, ये इंसान है। अगर एक हिंदू भूखा है तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है या ईसाई है या सिख है और वो भूखा सो गया तो कल कयामत के मैदान में तुम्हारी पकड़ होगी कि तुमने खा लिया और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया। इसलिए इसकी फिक्र करें कि हम इंसानों की भूख मिटाने वाले बने, सब इसकी फिक्र करें। अगर हम सब इस फिक्र में लग जाएंगे तो देश के अंदर कोई भूखा सोएगा नहीं, देश के अंदर बिल्कुल अच्छा संदेश है, अच्छी पहल है। मुझे लग रहा है कि अभी लॉकडाउन में देखा हाईवे किनारे लोग तमाम मदद करते थे, भूखे व्यक्ति को नहीं दिखता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उसको तो लगता है कि नवाला अगर मुंह में जाएगा तो उसकी भूख और प्यास मिटेगी। तो ऐसी भावनाओं के साथ हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन लंबे समय तक चलेगा, आर्थिक तंगी लंबे समय तक चलेगी और हिंदुस्तान वास्तव में रोटी और रोजगार में अभी तक खिंचा चला आया है, तो ऐसी स्थिति में और ज्यादा स्थिति खराब रहेगी। तो हम लोग एक दूसरे को मदद करें, साथ दें। दूसरे एक अंतिम सवाल मेरा और है आप दोनों से कि ईद के दौर पर हम लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, तो चूंकि कोरोना चल रहा है सोशल डिस्टेंस की बातें सरकार कर रही है, तो अब मुस्लिम भाई गले कैसे मिलेंगे, कैसे रहेगा, या बिना गले मिले भी ईद की जो खुशखबरी है जो शुभकामनाएं कबूल हो सकती है क्या? मैंने आज ही आप सारे पेपर्स देखिए, उसमें हमारी जो एडवाइजरी जारी हुई है उस एडवाइजरी में हमने बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा है कि ईद के अवसर पर गले मिलना इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये इस्लाम की कोई परंपरा नहीं है। ये परंपरा ये हमारे हमारे देश में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं, सफर करके आते हैं या अचानक काफी दिनों के बाद उनसे मुलाकात होती है तो खुश होकर हम गले मिलते हैं, उसकी इस्लाम ने इजाजत दी है। इस्लाम ने यह कहा है कि जब तुम काफी दिनों के बाद मिलो तो तुम ऐसे हग करो यानी मुआनका करो, गले मिलो। लेकिन एक पर्टिकुलर आम इंसान रोजाना हम मिलते हैं और फिर हम ईद के वाले दिन गले ही मिले बार बार जबकि हमारी 15 मिनट पहले मुलाकात हुई है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। ना इस्लाम ने इसके लिए ये कोई गाइडलाइन जारी करी है कि आपको ईद के दिन गले मिलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हाथ मिलाना इस्लाम का वो है कि कहीं भी किसी से मुलाकात करो तो सलाम करो, सलाम के बाद आप शेक हैंड करो, ये इस्लाम का एक तरीका है। लेकिन क्योंकि इस वक्त WHO की मेडिकल गाइडलाइन है कि ये मर्ज ऐसा है कि इस मर्ज में आदमी हाथ लगाने से हो सकता है वो मर्ज बढ़ जाए और फैल जाए, तो हमें ज्ञान की इबादत और मर्ज को फैलने से बचाने के लिए हमने ये एडवाइजरी जारी की कि इस साल ना हम गले मिले, गले तो इस्लाम में था ही नहीं इस ऐसे मौके पर, और हाथ भी ना मिलाए। इसलिए ये बात समझ लेनी चाहिए दोनों चीजों को, इस्लाम ने सलाम को कहा कि ज्यादा जरूरी है कि सलाम करो, सलाम को फैलाओ, सलाम अजनबियों को भी करो, सलाम अपनों को भी करो और उसके बाद मुसाफा करो, और जब तुम शेक हैंड करोगे तो हाथ मिलाओगे तो तुम्हारे और उसके दोनों के पाप धुल जाएंगे। ये इतनी खूबसूरती अल्लाह दी है, हाथ मिलाने में भी पाप धुलते हैं, लेकिन इस वक्त बीमारी फैल जाएगी इसलिए मना किया गया कि नहीं इस वक्त रुकना है, हमको डिस्टेंसिंग रखना है। मैं एक लफ्ज से जितेन भाई वो करता हूँ, ये जो लफ्ज बोला जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग से तो पूरी पूरे समाज ही खत्म हो जाए। डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, बोलना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोलना चाहिए। और इसके लिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इस बीमारी में
फिजिकल डिस्टेंस, हमारा हाथ टच ना हो, हम मिले ना, थोड़ा 2 फीट की दूरी से अपना काम करें, तो ये फिजिकल हुआ ना, ना कि सोशल। अगर सोशल यानी समाज नहीं होगा, समाज से हम नहीं मिलेंगे, तो फिर हम किससे मिलेंगे? किससे मिलेंगे? बिल्कुल। इसलिए ईद के वक्त, ईद के मौके पर हम यही संदेश देंगे आपके माध्यम से कि गले, हमें हमेशा ईद वाले दिन उन लोगों से नहीं मिलना है जिनसे हम रोज मिलते हैं, जिनसे हम बार कभी कभार मिलते हैं, उनसे हम ईद के दिन भी मिल सकते हैं, लेकिन इस साल हमें उससे भी परहेज करना है और हाथ मिलाने से भी परहेज करना है। मुस्तफा आप भी, मयंक भाई, हम तो बस एक छोटी सी बात कहेंगे कि जब आदमी बहुत खुश होता है तो एक दूसरे के गले लग जाता है, जब खुद बहुत खुश होता है तो एक दूसरे के गले लग जाता है। तो जाहिर बात है कि इस वक्त जो ईद आ रही है ये खुशी तो ला रही है, लेकिन बड़ी तकलीफ के साथ खुशी ला रही है। दो तकलीफें हैं हमारे साथ। पहली तकलीफ ये है कि हमसे हमारे धार्मिक स्थल छिने हुए हैं। हम अपनी नमाजें, अपनी अपनी तरावी, अपना कुरान मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक इसकी तकलीफ है। दूसरी तकलीफ ये है कि हमारा पूरा देश इस वक्त इतनी बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है। कितने घरों के नौजवान बच्चे चले गए, कितने घरों के माँ बाप चले गए, कितने घरों की बेटियां चली गई। उनका एक दर्द है, उनका एक गम है। इस गम में हम वो खुशी नहीं मना सकते जो खुशी हमको बेचैन करके और गैर इख्तियारी तौर पर एक दूसरे के गले लगा दे। तो इस वजह से हम इस वक्त तो गले लगने से और हाथ मिलाने से एहतियात कर रहे हैं, लेकिन छोड़ा नहीं है, हमने छोड़ा नहीं है। हम जैसे ही कोरोना से मुक्त होंगे हम फिर गले मिलेंगे, हम गले पड़ेंगे पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको गले भी मिलेंगे और हाथ भी मिलाएंगे। ये इस वक्त की परेशानी है, इसलिए इस वक्त हम उसको अपने सोशल मीडिया के जरिए से इसकी मुबारकबाद दे दें और टेलीफोन के जरिए से इसकी मुबारकबाद दे दें और हमारी आपस की मुबारकबाद और मुलाकात वस्सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, इससे हमारी मुलाकात पूरी हो जाती। चलिए धन्यवाद, मैं कह रहा हूँ दोनों धर्म गुरुओं का, आलम मुस्तफा याकूबी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय निकालकर हमारे साथ चर्चा में अपना समय दिया। मौलाना आदम मुस्तफा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के साथ चर्चा की और आपका साथ आपका स्नेह इसी तरह बना रहे, समय समय पर आप लोग हम लोगों के साथ उपस्थित रहें, तमाम लोगों के साथ चर्चा करेंगे और मैं चाहूंगा कि कल जुमा अलविदा है तो सारे लोग आपसी सौहार्द के साथ, आपसी स्नेह के साथ हम लोग अलविदा की नमाज को अदा करेंगे और आने वाली ईद पर भी हम दूसरे को शुभकामना देंगे, लेकिन गले मिलके नहीं, गले दिल से। ओके, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जितने भी व्यूअर्स ऑनलाइन हैं और आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सबको आदाब करता हूं और उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना वक्त दिया और हमारी बातों को सुना है और उनके दिल के अंदर अगर हमारे इन बातों से मुताल्लिक या इस्लाम से मुताल्लिक कुछ सवालात पैदा हुए हो तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पर वो सवालात भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने। बहुत शुक्रिया जितिन भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ लाइव में धर्म गुरुओं के साथ चर्चा की और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस कार्यक्रम को शेयर लाइक करना ना भूलें। कल फिर दोपहर के 3 बजे नए किसी गेस्ट के साथ हम लोग रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।